वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज है 19 दिसंबर 2021 की जितनी सारी करंट अफेयर बनने वाली हम लोग उसके बारे में ए टू जेड डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। पहला प्रश्न, इंडिया मार्ट का निर्माण दुबई में किस समझौते के तहत होने वाला है? अभी तक इसका समझौता नहीं हुआ है, अगले 10 दिन में ये समझौता हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये समझौते किसके बीच होने वाले? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये एग्रीमेंट बनने वाली है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ दोहा समझौता किसके बीच हुआ था, ये आप लोग जानते ही होंगे, अमेरिका और ताइवान के बीच हुआ था ये समझौता अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के। अब यहाँ पे लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और नेपाल के बीच हुआ था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और डी में है पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग जो है कि किसके बीच हुआ था, तो भारत और भूटान के बीच ये समझौता हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और इंडिया मार्ट का निर्माण कहाँ पर होना है? दुबई में होना है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, स्पार्टन कंपनी की एमडी ज्योति प्रकाश का निधन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 दिसंबर को, जी हाँ शुक्रवार था उस दिन। यह बैट बनाने वाली कंपनी थी, स्पार्टन कंपनी बैट बनाने वाली कंपनी थी। इस कंपनी की बैट से खेलने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो भी है, वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है उसका आंसर है माइकल क्लार्क, जी हाँ माइकल क्लार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1958 में बस्ती दानिशमंदा में लगी थी ये स्पार्टन कंपनी, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कहाँ से किया? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से कर रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये जो है कि 36,230 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाली है और यह 594 किलोमीटर लंबा परियोजना है, जी हाँ आप लोग इसे याद रखिएगा। चौथा सवाल है, कौन सा देश पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ 100% पेपर जो है कि लेस हो चुकी है। यह घोषणा किसने की? यह कराउन द्वारा घोषित किया गया। पांचवा क्वेश्चन है, कौन रामानुजन पुरस्कार 2021 जीतने वाले चौथे भारतीय गणितज्ञ बन गए? इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता, जी हाँ नीना गुप्ता को 2021 में DSTICTPIMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया? इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में ग्वालियर। अब देखिए सातवां है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी में से जो है कि शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। अब आठवां प्रश्न है, कैबिनेट ने भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित एक संधि को मंजूरी दी है तथा वो किस देश के साथ है? तो वो है पोलैंड के साथ। कैबिनेट ने भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित एक संधि को मंजूरी दी है, किसके साथ? पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में। नौवां प्रश्न है, मिथिला मखाना भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बिहार। जी हाँ अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बिहार मखाना का नाम बदल दिया है और इसी का नाम हो गया है मिथिला मखाना, जी हाँ आप लोग इसे याद रखिएगा। अब दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में अंकित किया गया? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता में दुर्गा पूजा का। देखिए कोलकाता में दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा मानवता की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किसको शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा में, कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होता है उसको। अब आपका आज का सवाल है, किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल, डिजिटल सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में इंटेलिजेंट बैंकिंग, ये याद रखिएगा कौन, इंटेलिजेंट बैंकिंग का पुरस्कार मिला? किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में इंटेलिजेंट बैंकिंग का पुरस्कार मिला? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, HDFC बैंक, PNB बैंक, DBSA इंडिया, SBI। आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, और ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।